हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक शाह ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक शाह ज़ेब टेक्स। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इजी मेथड के साथ ग्लास फंड कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है, सिंपल एंड इजी ग्लास फंड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पिक्सल ऐप को कीजिए ओपन और वो पिक ऐड कीजिए जिस पे आपने नेम टाइप करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कोई भी पिक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पिक लूँगा, मैंने पिक ऐड कर ली। अब इस पे नेम टाइप करना है। नेम आप जो भी लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं लिखूँगा उज़मा। पहले यू पे फंट लगाएंगे, यू पे मैंने फंट लगा लिए। अब इसका जो साइज़ है ना, ये आपने थोड़ा सा फ्रंट बढ़ा देना है। अब ये यू ठीक नहीं आ रहा तो आपने पैडिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग, ठीक है। अब बिल्कुल भी मसला नहीं आ रहा, यू बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी इसे एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। मुझे आई थिंक यहाँ ठीक लग रहा है। तो हमारा हाफ नेम अभी हुआ है, आधा नेम हमारा रहता है, वो भी लिखना है। आगे भी मैंने लिख दिया। अब इसका भी साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, छोटा बड़ा। आप इस पे फंट लगाएंगे, लोकेस्टेड फंट मैंने लगा दी है। अब इसका जो साइज़ है ना, ये भी थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी ये ठीक नहीं है, ठीक है। मुझे आई थिंक यहाँ ठीक लग रहा है। तो अब आपने फ्रेंड आ जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, ठीक है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आ जाना है, स्ट्रोक कर देना है ऑन, और स्ट्रोक वाइट कलर की लगानी है। सॉरी, वाइट नहीं, कलर जो था वो ही रहने देना, वाइट नहीं करना। वन पे कर देनी है। अब शेडो वाले ऑप्शन में आ जाना है, शेडो को कर लेना है ऑन, और इसकी जो ऑपोसिटी है ना, ये आपने 70 पे कर देनी है। ब्लर जो है ये आपने 5 पे कर देना है, इसको ऑन कर देना है। ऑफसेट X2, ऑफसेट Y2। अब इनर शेडो वाले ऑप्शन में आ जाना है, इनर शेडो को ऑन कर देना है, इनर शेडो को ऑन कर देना है, और ये वाइट कलर की ये लगानी है। इनर शेडो वाइट कलर में लगानी है, याद रखिएगा। ऑफसेट X1, ऑफसेट Y1, ब्लर 1, ठीक है। अब यू पे इसी तरह हम लगाएंगे, स्ट्रोक को कर लेंगे ऑन। स्ट्रोक किधर गई है, स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे और ये वन पे लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे शेडो पे, शेडो को ऑन कर लेंगे, इसकी ऑपोसिटी याद रखिएगा, 70 पे रखनी है। ब्लर 5 ही रखना है, जो पहले हमने रखा था, इसको ऑन कर देना है 2 पे, ठीक है। अब इनर शेडो वाले ऑप्शन में आ जाना है, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये वाइट कलर में, याद रखिएगा, इनर शेडो वाइट कलर में। अब इसका बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट फ्रंट कर देना है और सेव अल्ट्रा में कर देना है आपने, ठीक है। सेव अल्ट्रा में करना है। अब इस वाले ऑप्शन आएंगे और बैक कर देंगे, ठीक है। अब आपने आ जाना फ्रेंड कलर वाले ऑप्शन में, ठीक है। कलर वाले ऑप्शन में आएंगे तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इसकी ऑपोसिटी बिल्कुल आपने 0 पे कर देनी है। अब आपने आ जाना है इनर शेडो वाले ऑप्शन, इसको ऑफ कर देना है, शेडो को भी ऑफ कर देना है, और स्ट्रोक जो है ना, ये आपने वाइट कलर, हाँ स्ट्रोक को वाइट कलर नहीं करना, जो था वो ही रहने देना है, ठीक है। इनर शेडो को ऑफ करना है, शेडो को ऑफ करना है, और जो स्ट्रोक है ना, ये जैसे है वैसे रहने देने। अब आपने आ जाना कलर वाले ऑप्शन में, ठीक है, और इसकी ऑपोसिटी आपने 0 पे करनी थी, कर दी। अब स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है, स्ट्रोक का वाइट कलर करना है, और यू वाली भी जो स्ट्रोक है ना, इसका भी कलर वाइट करना है आपने, ठीक है, कलर वाइट करना है स्ट्रोक का। अब इसका भी आपने बैकग्राउंड फ्रंट ट्रांसपेरेंट कर देना है और सेव अल्ट्रा में कर लेना है आपने। तो सिंपली अपने पिक्स आर्ट कर दीजिए ओपन, अब आपने आ जाना ड्रा वाले ऑप्शन में, ठीक है। ड्रा वाले ऑप्शन में आपने आ जाना है फ्रेंड, ड्रा वाले ऑप्शन में आपने आ जाना है, इस आइकन पर क्लिक करनी है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करनी है, फोटो लेयर, ठीक है। आपने फ़ोटो पे क्लिक करनी है, सॉरी फ़ोटो ये वाला नेम जो लिखा था, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब इसकी जो है ना ओपासिटी,
ये फ्रेंड आपने ना, सॉरी ऑपोजिट नहीं, अब इसको कर देना है आपने मल्टीप्लाई फ्रेंड, ठीक है। अब थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, ये मैरिज वाला ऑप्शन है, इस पे कर देना है, ठीक है। अब फिर प्लस वाले आइकन पे आएंगे, फोटो लेयर पे आएंगे, और जो हमने सेकंड नंबर वाला मतलब बनाया था, ये मसला आता है थोड़ा सा, मुझे डेटा ऑन करना पड़ता है, ये वाला इसको ऐड करना है, इसको ऐड कर दिया। अब इसको कर देना है आपने फ्रेंड ओवरले, ठीक है। अब ये देखना ठीक नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, फिर प्लस आइकन पे आना है, फोटो लेयर पे आना है, फिर एक बार इसको इधर ऐड करना है, ठीक है, सेकंड नंबर वाले को फिर ऐड कर दिया। अब इसका इस दफ़ा ब्लेंड मोड जो है ना आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मैरिज वाले ऑप्शन में आ जाना, ठीक है। अब फिर प्लस आइकन पे आएंगे, फोटो लेयर पे आएंगे, अब फिर इस शेडो वाले लेयर को ना इधर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर दिया। अब इसका ब्लेंड मोड आपने फ्रेंड कर देना है ओवरले, ठीक है, ब्लेंड मोड ओवरले कर दिया। इसकी जो ऑपोसिटी है ना फ्रेंड, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे आई थिंक ये 45 पे ठीक लग रही है। तो हमारा आज का यही था ट्यूटोरियल फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, क्लास वन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।